ज्यादा उसे अनबोल्ड बन रहे हो। दिलावर चाचा भाग थोड़े रहे, हम तो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए गोल्ड भी लाना है ना। भाग के दिखाओ 200 मीटर वाला, आ जाएगा ना तू। अरे वो पीछे ओए, एक रैपिड विच ना हवा चढ़ा दांगा। नाम दिलावर सिंह है मेरा। मेरा पैसा कदों वापस करोगे? मैं सारी अपनी जमीन ते जायदाद बेच के सारा पैसा तुहाडे बिजनेस च इन्वेस्टमेंट कर दिता, और तुसी मैनू अज खुले आसमान च सोण नू मजबूर कर दिता है। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, खुले में सोने का तो मजा ही अलग है। आहो की देखी है दिलावर चाचा, हमारे पास एक और प्लान है, और ऐसा तगड़ा प्लान है जिससे 25 दिन में गारंटीड आप सबका पैसा डबल हो जाएगा। दिखाओ प्लान अपना। हाँ प्लान है, अरे प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। हाँ ये है अपना 2-in-1 कंबल। इसमें तो छेद है। छेद नहीं है, ये कंबल की काबिलियत दो हैं। एक तो आप इसे ओढ़ भी सकते हो, और दूसरा आपको अगर आलस आ रहा है रिमोट उठाने में, तो यहाँ से हाथ डालिए ऐसे करके और रिमोट उठा के चला दी। ये है देखो कलाकारी। एक और है, एक सांस लेने के लिए है, और जो नीचे वाला है वो पता ही आपको। दिलावर भाई 2.5 लाख का कंबल आता है, 1.5 लाख में आपको दे देंगे। बताओ कैसा बिजनेस प्लान? कैसा लग रहा है बिजनेस? साला तुम गरीबों का हक मारो। अरे कस्टमर है दिलावर भाई, कस्टमर है, ऐसी डिमांड है इस कंबल की। अबे जमतारा का जमाई सालो, फिर से धोखा, मारो इन्हें। भाईजान कहाँ है? भाईजान देना पेड़ों में नहीं। भाईजान कहाँ है? बना गया तुम्हारा बेवकूफ, भाईजान हमेशा ऊपर होते हैं, जाओ पकड़ो उन्हें। अरे चलो भाई, चलो भाजी, चलो। रुको, ये श्रापित जगह है, यहाँ जो भी आज तक गया वो कभी वापस नहीं आया है, ये भी दोनों नहीं वापस आएंगे, चलो वापस। रुको सारे, मेरा सारा मूड खराब हो गया, ले अपनाई मेनू। यार ये तो सेम जगह आ गए हम। इजिप्ट में निकलेगा? अबे यार मुझे बहुत अजीब लग रही है भाई। देख मुझे आ रहा फुल मजा, क्योंकि यहाँ आ रही है सांस खुल के, ऐसा लग रहा है ऐसा पोल्यूशन कम हो गया। पोल्यूशन कम हो ना हो, पर फ्रॉड बाजी का कर्जा हम दोनों पे बहुत हो गया। रतलाम सिटी के सबसे बड़े फ्रॉड बन गए हम दोनों। अबे जैन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? हमने देखा। मैं क्या जा भाई? ए ब्रो सुनने जरा। अरे एक मिनट सुन ले यार। अबे नाग, आपके नागमणि लेके जागा। ये कौन सी जगह है इसे बताइए जरा यार। रतलाम गांव। रतलाम गांव? रतलाम गांव कब से हो गया? है तो सिटी है। अरे हमारे शहर को गांव कहता, एक रैपिड में कौवा बना दूं। भाई देख, एक रैपिड में चढ़ना, हवा चढ़ा लेना है। दिलावर नाम है हमारा। दिलावर चाचा? अबे चल ले, इतना छोटा थोड़ी होगा दिलावर, होगा उसका कोई कट पीस ही। सारा मूड खराब कर देता, डबल नाचू। पर दिलावर चाचा भी ऐसी गुस्से में जंगल में मोर बन के नाचते। यहाँ तो कैफे था, काफी भी ना मिलेगी इधर, इधर सिर्फ चाय मिलेगी, और कॉफी तो आपको पूरे गांव में ना मिले। कैफे कहाँ गया यार, यहीं था। कुछ गड़बड़ तो है। दो चाय लगा छोटू। जी भैया जी। बे ओ, कौन से जन्म का मैच दिखा रिया है? आज का लगा? आज का ये सुबह सुबह ऐसे कर रिया, चाय बने जल्दी। बे मैंने आज को फोन कर ले, अपन दोनों की सेटिंग को परेशान हो रही होगी वो।
अब मेरा मोबाइल गिरेगा कहीं। ला दिया पीसीओ बगल में आएगा, कर लो। अबे डेंगू, अबे तू किस जमाने में रह रही है बेटे, तेरा सॉफ्टवेयर कब से अपडेट ना हुआ है। लीजिए भैया जी। भाई साहब ये अग्निपथ कब आई अमिताभ बच्चन वाली? यही कोई 2 साल पहले। मैया ये हो गया रिया, पकड़िए। मैं हम 1992 में वैसे डार्क के जोनस जैसी फीलिंग आ रही है। अबे ओ चोर बाजार के जोनस, मुंह भी न चल लिए कोई, जहां से आए वापस चल। 22 में मैं मेहनत जा रही है, और आज से मेहनत भी भैया तेरी पूरी। अबे अगर किसी को पता चल गया ना फ्यूचर से, तो सुतरी के मार मार के ना सुअर बना देगा। अबे तो वहां जाएंगे, वहां भी तो लोग मारेंगे। और मुझे लगता है हमारा यहाँ ना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऊपर वाले की कोई मर्जी है। से कोई पिक्चर नहीं, नो कैमरा नो लाइट ओनली दारू। मालिक सब देख रहे हैं। क्या मेरी पिक्चर? पिक्चर तो फ्लॉप हो गई, तुम्हें देख रहे हैं इस हालत में। मोटी मुर्गी लग रही है। डेंगू ये कौन है? ये है सबसे भाईयात फ्लॉप मशहूर डायरेक्टर मार्कस चोपड़ा, एक नंबर के भाईयात डायरेक्टर है भाई सब ये। और इनके जो पहले प्रोड्यूसर थे वो हम ही थे, और आज देख लो यहाँ पर हैं। चाय ले जल्दी से। तो जल्दी बता 2022 में ऐसा क्या जो यहाँ पर नहीं है? 1000 के गुलाबी नोट। अबे जा दूसरा बता। कच्चा बादाम। अबे मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, RRR कोटा फैक्ट्री, मनी हाइस्ट जैसे शो आप लोगों ने तो देखे, इन्होंने थोड़ी देखे, ये तो अभी डब्बे में टब्बा मार के देख रहे हैं, समझा? बस मैं समझ गया। ओ मैन, थक गया हूँ एक से एक सुपरहिट कहानियां लिखते लिखते। धवन साहब बोल रहे हैं अगर उनके लिए अगली फिल्म नहीं लिखी तो भाई इंडस्ट्री छोड़ देंगे। छोड़ दें? नहीं यार, अच्छे दोस्त हैं। क्या आप लोग राइटर हो? राइटर से हैं कोई शक? Myself मार्कस चोपड़ा, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर। हाल ही में मैंने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है नागिन डसे सैया हसे। क्या आप लोगों ने देखी? हाँ, बड़ी सुअर फिल्म थी। आज के बाद मत बनाना। क्या आप लोग मेरे लिए एक मूवी लिखेंगे? नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? जितना आप पैसा बोलोगे मैं दूंगा। How dare you? हम पैसों के लिए नहीं, पैसन के लिए काम करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हम आपसे कहें 10,54,000 रुपए चाहिए, तो क्या तुम 10,54,000 रुपए दे दोगे? हाँ दे देंगे। दे देंगे मतलब? डायरेक्टर साहब मुझे ये दोनों भटिया लग रहे हैं, इन पे भरोसा मत करना। इनकी आंखों में मुझे पिक्चर बनाने का जुनून दिख रहा है, इसलिए इनकी पिक्चर हम लिख देंगे। अब तुम बेबस चोपड़ा से फिर एक बार मार्कस चोपड़ा बनने वाले हो, खुश हो जाइए। ये देखिए सबको ऑफिसर। क्या अजाब है अभी उमेश, ये दरोगा साहब इतना छोटा टीवी? टीवी नहीं है ये, अरे मैया ये। हाँ अब तुम कहोगे कि ये तुम ना हो। उमेश मैं ना हूँ, तेरी कसम मैं नहीं हूँ। उमेश देखो नहीं, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। उमेश मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे उमेश मेरा करियर खत्म। दरोगा साहब उठो, दरोगा साहब उठ जाओ, किसी से लगो माँ। दरोगा साहब तुम्हें तुम्हारे 1 साल के लड़के नाजिम की कसम, दरोगा साहब उठो। आजकल कहाँ ओरिजिनल राइटर मिल रहे हैं, सब चुरा चुरा कर कहानी बेच रहे हैं। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है जो हमें ओरिजिनल राइटर मिल गए, वरना आजकल तो सब ऐसे ही चल रहा है। अरे बैठिए बैठिए। तो क्या कहानी है आपके पास? हमारी कहानी है पटना में रहने वाले 11-12 साल के बच्चों की, जो बैकना नाम के राक्षस से अपने शहर को बचाना चाहते हैं।
और उससे लड़ने के लिए ये लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ऊपर नीचे होता है एकदम गंदा, जैसे हर जगह रुई रुई हो। पर उनकी मदद करती है एक शक्तिशाली गंजी लड़की जिसका नाम होता है 11। 11, 12, 13, 14 ये कैसा नाम है सर? ये आपको पागल बना रहे हैं, भगा भी ना भटिया को। मैं नहीं पसंद आ रही। हाँ नहीं आ रही, चलो चल उठ। अबे मैं तुझसे कह रहा था, पर तेरी मोहब्बत मुझे इसके पास खींच लाई। पर मैं रात और रात 1.5 करोड़ मिल रहे थे इस कहानी के। थोड़ी पता देखना कुछ चढ़ा है। अरे अरे आप लोग बैठिए बैठिए, और तू चुप कर। तुझे मैंने हीरो बनाया, उसमें भी फ्लॉप हुआ, असिस्टेंट तो ठीक से बन जा। मैं बनाऊंगा ये पिक्चर। प्रोड्यूसर साहब, नोट छापने के लिए तैयार हो जाओ। 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख। अगली बताओ। अगली कहानी हमारी एक राजा की, जो एक अजीब सी गुफा में घुसकर कर जाता है टाइम ट्रेवल, और वहां पर उसको प्यार होता है एक मनीषा नाम की लड़की से, और एंड में हम देखते हैं कि वो उसकी खुद की फुप्पो हैं। मतलब बुआ। बे, क्या असली कहानी बेच रहे हो? जा यहां से। ओरिजिनल, एक नंबर। इस फिल्म का नाम होगा गुफा में आजा मेरे राजा। वाह वाह, जैन भाई क्या टाइटल दिया डायरेक्टर साहब ने, बुआ में आजा गुफा। नहीं नाजिम भाई, गुफा में आजा मेरे राजा, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड आता हुआ दिख रहा है मुझे इनके पास। नेक्स्ट। तो इस पिक्चर में नीतू भैया जो हैं वो देते हैं नल्ले बेरोजगार फुके हुए बच्चों को आईआईटी क्लियर करने की कोचिंग, और बन जाते हैं टीचर नंबर 1। वही वाह, क्या स्टोरी है, लाजवाब, शानदार। ले बेटे 3-3 हजार वाली दो चाय लगा। बाबूजी 3 हजार की चाय? कैफे खोल लेना इन पैसे से। नेटफ्लिक्स की हम हर मूवी हर वेब सीरीज बेच चुके लगभग, अब नया क्या बेचे? मोनिका ओ माय डार्लिंग कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ही बढ़िया। पर इसका टाइटल क्या होगा जैन भाई? मोनिका ओ मेरी जान। अरे वाह जैन, क्या टाइटल है जैन भाई, मोनिका ओ माय जान। साला बावला डायरेक्टर से यही नहीं पता हम क्या बेच रहे हैं, फ्यूचर से आए हुए। असली 1992 का स्कैम तो यहाँ चल लिया। जैन भाई, लेकिन जैसे जैसे अब हम पैसा कमा रहे, अब मुझे चाहिए अपने जमाने वाली कार, न्यू बिल्कुल। आराम से बेटे, दो चाय गुफा पे ले गया। जी बाबूजी। ठीक। अफसोस है कि पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाया। ये रात जब खुलेगा मैं इस दुनिया के आगे मजाक बनकर रह जाऊं, इसलिए मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं, माफ करना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये क्या है? अरे मैया, अरे मैया, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मुझे फिर चक्कर आ रहे हैं। दरोगा साहब, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। इस पे चढ़ के कूद ले, क्यों अलग फाड़ लिया? दरोगा साहब, गांव में दो फ्रॉड घूम रहे हैं जो दूसरों की कहानियां चुराकर फिल्म इंडस्ट्री में बेच रहे हैं।
और वो फ्यूचर से हैं। बेटा तेरा ना मैं प्रेजेंट खराब कर दूंगा अगर ये मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाई, मेरा दिमाग खराब वैसे ही हो रहा। दरोगा साहब, उसमें से एक तो आपका हमशक्ल है हूबहू, मां कसम झूठ ना बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे रंगीन सुअर कौन है? ये डायरेक्टर मार्कोस का असिस्टेंट है। चल भाई रिकॉर्डिंग सुना साहब को। नेटफ्लिक्स की हम हर मूवी हर वेब सीरीज बेच चुके लगभग। साला बावला डायरेक्टर से यही नहीं पता हम क्या बेच रहे हैं, फ्यूचर से आए हुए सुतरी के अभी का भी लेकर इन भटियों को पकड़ के मेरे पास। यस सर। इस गुफा में ही कोई राज छुपा हुआ है और ये राज मैं जानकर हूं। लो भाई जैन भाई गुफा भी आ गई। कार जो है ना मस्त वाली लानी है जो रोला जम जाए। बैटमैन वाली ले आऊं? अरे भाई यही चाहिए। राजीव भाई यही रहना, यही मेरा इंतजार करना, जब लाऊंगा तो तुम भी कहोगे ले भाई ओम वो धर्रेड़ी काट रही है, बस जल्दी जाओ। ओ देखो आ गया पटिया पुलिस की वर्दी पाके, हुण दो इनू रुको जरा। साल चल लिया भाजी, ये देखो बादाम खिलवाओ इन्हें। हाँ वैसे भूख भी लग रही थी, थोड़ा खाना वाना हो जाता। आ जाओ मुंडियो करो यदि सेवा जरा चंगी तरह। डर गया साला डरपो। मेरी बालिका बाजार की फर्स्ट कॉपी। कौन था ये बैरूबिया? इसने तो अब्बा की याद दिला दी, उन्हें भी ऐसे चक्कर आते थे। बाबूजी चाय? चाय किसने मंगाई? आपने तो बोला था दो चाय गुफा में लेकर आना, तो गुफा में देखा जा। ओके बाबूजी। यार कब आगा यार, ये इंतजार नहीं हो रहा, किस्तों पे तो नहीं लेने लगा बैड मूवी। आ गया मेरा भैया इधर, पूरा मॉडल बन के जो आया। I am a disco dancer, टेडिंग टेडिंग। जैन भाई लगता है बहुत तेज चला के आए हो, कपड़े फाड़ लिए, दिख ले रही कहाँ है। ब्रो बड़ी सही करके मेरी धुलाई करी, फिर मुझे मेट पे बिठाया, फिर उन्होंने ये बात बोली है मुझसे कि अगली बार अगर गुलाबी नोट न लाया तो मार मार के मेरी गुलाबी कर देंगे। न मिले करेंसी चेंज है वहां पे। हो रहे दोनों मार्कस चोपड़ा के साथ इतना बड़ा धोखा। नेटफ्लिक्स की कहानी चुरा कर बेच रहे थे ना तुम लोग, सब पता है हमें। हवलदार साहब इनकी वो हालत करो ना ये पास्ट के रहे ना फ्यूचर के। ठीक है डायरेक्टर साहब। हवलदार साहब, और डायरेक्टर साहब हमारे पास एक पिक्चर है जिसका नाम होगा दृश्यम, और उसमें जो है हीरो पुलिस को चकमा देता है, और पुलिस ऑफिसर उसमें जो होगा ये हवलदार होगा। ये जैन भाई उसमें गाना भी होगा। आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ सुतरी के तेरा घुटना नहीं रुक रहा किसी मिनट। तो डायरेक्टर साहब आगे उस कहानी में क्या होता? अरे भैया, अरे भैया।
ये कहाँ जा रही है अभी बुलेट ट्रेन? और उसमें एक बुलेट ट्रेन भी हो।